हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म लव हॉस्टल को लेकर। लव हॉस्टल जो कि क्राइम थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है ऑडियंस को, क्योंकि जो उसका चार्म है वो काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है पब्लिक को। अगर बात करें फिल्म की लीडिंग रोल्स को लेकर, तो लीडिंग में नज़र आ रहे हैं बॉलीवुड के टैलेंटेड स्टार्स विक्रांत मैसी, बॉबी देओल और सान्या मल्होत्रा। डायरेक्शन दिया शंकर रमन ने, तो उसके प्रोड्यूसर है वहीं पर जाना माना बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, बोले तो शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस। इसके अलावा दृश्यम फिल्म्स ने भी इसे प्रोड्यूस किया है। वेल, अगर बात करें फिल्म के कलेक्शन को लेकर, तो ये फिल्म प्रीमियर कर रही है जाने माने OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। वेल, कलेक्शन में कल की कंपैरिजन में ड्रॉप है। पहली बात तो कारण ये है कि आज नॉन हॉलीडे है, तो कलेक्शन थोड़ा सा ड्रॉप आ रहा है। ड्रॉप है लेकिन थोड़ा सा, ये कह सकते हो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ड्रॉप है। और जो कलेक्शन आ रहा है इस फिल्म का आज भी काफ़ी सिमिलर है कल के कंपैरिजन में, और ये कमा रही है लगभग से लगभग 2.5 करोड़ प्लस, जो कि बहुत बढ़िया कलेक्शन है। रेटिंग इसकी डाउन आ चुकी है 4.9 तक, उसके बावजूद लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो इस फिल्म में कैरेक्टर है बॉबी देओल का, वो लोगों को काफ़ी खास लग रहा है, और यही कारण है कि लोग इस फिल्म को देखना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कलेक्शन हो चुका है फिल्म का अभी तक, वो हो चुका है तकरीबन 21 करोड़ के आसपास, और वहीं जो उसका बजट है वो 25 से 30 करोड़ के बीच में है। तो आप कह सकते हो कि इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 65% की रिकवरी कर लिया है, और ये जल्द ही हिट भी हो जाएगी। वेल, आपको क्या लगता है कि फिल्म सुपर डुपर हिट होगी या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट? तो ये हो ही जाएगी बहुत ही आसानी से। आपकी ओपिनियन कमेंट में मेंशन करते रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।